हेलो दोस्तों, बैक टू माय चैनल है तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग निकल रहे हैं सातारा जाने के लिए और अभी हम लोग पुणे पहुँचे हैं। घर से अराउंड 5:30 निकले थे एंड अभी हम लोग नाश्ते के लिए रुके हैं, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तो निकलते समय लगेज होता है हाथ में, तो इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं करते। पापा रुके जाओ, तुम आया मैं, ठीक है चलो जाते हैं। अरे घाट है, घाट चढ़ने वाले अभी, और अभी हम लोग प्लान कुछ प्लान नहीं है किधर जाना है। चल रहा था सातारा जाने का, फिर बीच में प्लान बना महाबलेश्वर का, फिर उधर पे फोन लगाया, फोन लगाने पता चला काफ़ी ज़्यादा बारिश है, लाइक बाहर जा भी नहीं पाएंगे, तो फिर आप इसे देख सोचे कि सातारा ही जाए। और अभी हम लोग अभी घाट चढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम हो चुका है। सातारा पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग हैं सज्जनगढ़ के नीचे, लाइक अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और इधर पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह है, मस्त मौसम है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। अभी तो नीचे ही है और ऊपर जाएंगे शायद से, ऊपर जाती है गाड़ी ना, हाँ तो ऊपर जाएंगे तो और अच्छा व्यू आएगा। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, लाइक दोनों तरफ से झाड़ है और बीच में रोड जा रही है, काफ़ी अच्छा है। तो देख पा रहे हो मस्त मौसम हो चुका है, देखो अभी पायरे का साइज देखो। तो गाइस ये सब गढ़ के ऊपर है और काफी अच्छा लग रहा है जगह पे, काफी ज्यादा चढ़ने के लिए थोड़ा बहुत हार्ड था पर ठीक था। और बारिश भी चालू है और इधर काफी ज्यादा दुकानें भी है, लाइक खाने के वगैरह, होटल्स वगैरह सब है, नाश्ते वगैरह की और बुक के भी दुकान है, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा और बहुत कुछ है, तो आ सकते हो इधर पे घूमने के लिए। गूगल पे भी डाल दोगे ना सज्जनगढ़ तो मैप लेके आ जाएगा इधर पे, ठीक है। और अगर आपके साथ लोकल है कोई तो एकदम ईजी आ पाओगे, थोड़ा बहुत क्या मालूम भी मिल जाता है, इंफॉर्मेशन क्या 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 है ऐसा। अभी ये क्या है सामने,
लैंडस्लाइड अपन कैसे निकले, सातारा से निकले सज्जनगढ़ से, और निकलते फिर हम लोग ने गूगल मैप ऑन किया, फिर हम लोग प्लान बना के महाबलेश्वर आते हैं, इतना लंबे आए तो महाबलेश्वर भी आ जाते हैं। तो गूगल मैप ने एक मस्त वाला रास्ता बताया जो कि एकदम पूरा खाली है, कंडीशन भी अच्छी है, बट इतना थोड़ा रिस्की है। पहाड़ वाले थोड़े दिन पहले इधर पे शायद से ना लैंडस्लाइड हो हुई थी, और कोई भी नहीं जाता रास्ते में, अब एक बाइक वाले बहुत टाइम होते बहुत देर के बाद कोई कोई दिखता है ऐसा, मतलब अच्छा। और अभी नज़दीक है, मतलब 10-15 किलोमीटर में है महाबलेश्वर, तो ठीक है। देखो कितना मस्त मस्त ऊपर से वाटरफॉल। ओके, और इधर रास्ते में मंगूज वगैरह दिख रहे हैं, बंदर वगैरह, मस्त मज़ा आ रहा है। मस्त रोड ट्रिप हो चुकी है, और अभी पहुँचेंगे, रूम चेकिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे। कल आज बहुत थक चुके हैं, सुबह 5:30 को निकले थे, 5:30 ऐसा कुछ, और अभी तो गाड़ी ही चला रहे पापा 6:30 बजे, तो ठीक है। तो कितना मस्त मस्त वाटरफॉल, कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा, जो आँखों को दिख रहे हैं ना वो आँखों को दिख रहे हैं। क्या मज़ा आ रहा है यार, मुझे कितना मस्त। हाँ पा, बहुत बढ़िया एकदम। कभी कभी ख़राब रास्ता दिखाता है, बट इस बार अच्छा रास्ता बताया है, और लाइक मज़ा आ रहा है। रास्ते भी एकदम मस्त है, नो खड्डा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं रास्ते पे पहली बार। तो सो गाइस रूम में आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो गया आज, और अभी हम लोगों ने रूम चेक इन कर लिया है। काफ़ी अच्छा रूम मिला है, मतलब प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा रूम मिला है। और ये है स्टार्ट, और एक सोफ़ा दिया है, और टेबल, और अपना बेड, और बेड भी अच्छा। और मेन बात मैंने ये क्यों हाँ बोला, ये देखो। और बस, और बाथरूम भी अच्छा है, टॉयलेट, शावर। और इधर पे इतनी ठंडी है महाबलेश्वर में, मेरे लादी इतनी ठंडी है कि पैर रखे नहीं आ रहा ज़्यादा देर। तो ठीक है, अभी मैं मुँह हाथ धोता हूँ और फिर खाना खाने जाते हैं। मार्केट देखा मैंने, और कार में देखा बारिश चालू है अभी भी, और कुछ व्यू है क्या देखते हैं। व्यू अपने को ज़रूरी, कुछ है व्यू, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे कुछ व्यू नहीं गाइस, कुछ व्यू नहीं है।